हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने आगे देखा नीना एंड द बेबी स्पैरोस का पूरा लेशन कि नीना एंड बेबी स्पैरो में क्या था। तो नीना नाम की गर्ल थी, वो अपने रूम में एक नेस्ट देखती है और वो नेस्ट में दो स्पैरो के बेबी है। तो और उनको वेडिंग में यानी मैरिज में जाना था और वो टेंशन में आती है, चिंतित होती है कि उनका क्या होगा। ये सब हमने वो लेशन में देखा। अब हम देखते हैं नीना एंड द बेबी स्पैरोस के क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट है, व्हाई वाज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में बहुत खुशी क्यों थी। तो देयर वाज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस, यहाँ से लिखना है देयर वाज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस बिकॉज हर एंट वॉज गेटिंग मेरिड एंड दे वेर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर द वेडिंग। उसके आंट के मैरिज थे और उन सबको मैरिज के लिए दिल्ली जाना था, इसलिए सब लोग बहुत ही खुश थे। व्हाई वॉज नीनाज मदर अपसेट, नीना की मम्मा अपसेट क्यों थी, क्यों दुखी हो गई थी। तो नीनाज मदर वॉज अपसेट बिकॉज नीना डिड नॉट बाय एनीथिंग फॉर द वेडिंग। नीना ने कुछ नहीं लिया था बाजार में से, इसलिए उसकी मम्मा परेशान हो गई थी, अपसेट हो गई थी। Why did Nina start crying? नीना ने रोना क्यों स्टार्ट किया। तो नीना started crying because she was worried about the baby sparrows. वो उसने रोना स्टार्ट किया क्योंकि वो वरीड यानी बहुत ही चिंतित थी। किसके लिए? तो बेबी स्पैरो के लिए। उसको टेंशन था कि हम वेडिंग में यानी मैरिज में चले जाएंगे तो बेबी स्पैरो का क्या होगा, इसलिए वो रोने लगी। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द स्पैरोज नेस्ट, स्पैरो का नेस्ट कहाँ पे था। तो द स्पैरोज नेस्ट वॉज ऑन द बुक शेल्फ इन नीनाज रूम। जो बुक शेल्फ यानी कि बुक रखने की जगह थी नीना के रूम में, उसके ऊपर। हाउ मेनी बेबी स्पैरो वेयर देयर इन द नेस्ट, यानी कि वो नेस्ट में कितने बेबी स्पैरो थे। तो देयर वेयर टू बेबी स्पैरो इन द नेस्ट, नेस्ट में कितने बेबी स्पैरो थे बच्चों? दो। व्हाट डिड नीना टेल हर मदर अबाउट द बेबी स्पैरो, नीना ने अपनी मम्मा को वो बेबी स्पैरो के बारे में क्या बताया। नीना टोल्ड हर मदर दैट द बेबी स्पैरो वेयर ग्रोइंग अप, उसने अपनी मम्मा को बताया कि वो अब बड़े होने लगे हैं। एंड सो दे वेयर सो हंग्री, और जैसे जैसे बड़े होते हैं उनको बहुत ही भूख लगती है। दैट दे वेर क्राइड फॉर फूड द होल डे, और इसीलिए वो पूरा दिन रोते हैं। उसने अपनी मम्मा को बताया कि मम्मा अब बेबी स्पैरो है, वो बड़े होने लगे हैं, और जैसे जैसे ही वो बड़े होते हैं तो उनको बहुत भूख लगती है, और भूख लगती है तो वो पूरे दिन रोते हैं। नेक्स्ट है, Why was Nina worried? नीना क्यों worried यानी चिंतित थी। Nina was worried because if they went to Delhi, उसको टेंशन था कि वो दिल्ली चली जाएगी। The house would be locked up. House क्या हो जाएगा? पूरा लॉक, बंद हो जाएगा। And papa and the mama sparrow would not be able to feed the babies. जैसे ही घर लॉक होगा तो मम्मा स्पैरो एंड पापा स्पैरो घर में आ जा सकेंगे नहीं, और वो घर में नहीं आएंगे तो अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे। ये सोच के नीना बहुत ही टेंशन में थी, वरिड थी। नेक्स्ट है, व्हाट डिड मदर सजेस्ट, मदर ने क्या सजेस्ट किया, क्या सुझाव दिया। तो मदर सजेस्टेड दैट दे वुड कीप द विंडो ओपन, तो मदर ने सजेस्ट किया कि हम विंडो पूरा खुला छोड़ देंगे। सो दैट पापा एंड मम्मा स्पैरो कुड कम एंड गो फ्रीली, उसकी मम्मा ने सुझाव दिया कि हम जो हमारे रूम का विंडो है वो हम पूरा खुला छोड़ देंगे ताकि वो बेबी स्पैरो के मम्मी और पापा फ्रीली आजादी से वो रूम में आ जा सके और बच्चों को अच्छे से खाना खिला सके। नेक्स्ट है, व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी बैक फ्रॉम द वेडिंग, नीना ने क्या देखा सबसे पहले वो वापस आई। तो व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग शी फाउंड टू फैट लिटिल स्पैरो फ्लाइंग इन द रूम। वो वापस आई तो उसने देखा कि दो बड़े मोटे
बच्चे स्पैरो के बड़े बड़, जो बच्चे बड़े हो गए थे वो पूरे रूम में फ्लाई कर रहे थे। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे राइट द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है एवरीवन वाज हैप्पी बिकॉज सब लोग क्यों खुश थे, दे वेर गोइंग टू द मार्केट, उनको मार्केट जाना था इसलिए, दे वेर बाइंग न्यू क्लोथ्स, उनको नए क्लोथ्स लाने थे इसलिए, देर वेर अ बेबी स्पैरो इन द हाउस कि उनके घर में दो बेबी स्पैरो थे इसलिए, कि दे वेर गोइंग टू दिल्ली फॉर द वेडिंग कि उनको वेडिंग के लिए दिल्ली जाना था इसलिए। तो वो क्यों खुश थे, क्योंकि उनको मैरिज के लिए दिल्ली जाना था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है डी। मदर वॉज अपसेट बिकॉज, मदर क्यों अपसेट थी, तो नीना वॉज क्राइंग, नीना रो रही थी इसलिए, नीना वॉज सेड, नीना सेड थी इसलिए, नीना डिड नॉट बाय एनीथिंग, नीना ने कुछ नहीं खरीदा था इसलिए, कि नीना वॉज एंग्री कि नीना गुस्से थी इसलिए, उसकी मम्मा अपसेट थी क्योंकि नीना ने बाजार में से कुछ नहीं लिया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सी। हु वॉज नॉट हैप्पी, कौन खुश नहीं था, तो नीना, मदर, फादर की ब्रदर, तो वेडिंग में जाने के लिए कौन खुश नहीं था बच्चों, नीना। नेक्स्ट है व्हाट वॉज देयर ऑन द बुक शेल्फ इन नीनाज रूम, नीना के रूम में जो बुक शेल्फ था उसके ऊपर क्या था, अ पैरट, अ कुकूज नेस्ट, अ पिजन की अ स्पैरोज नेस्ट, तो वहां पे क्या था बच्चों, स्पैरो का नेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा डी। नीना वॉज वरीड अबाउट, नीना किसके लिए वरीड थी, किसके लिए चिंतित थी, पापा स्पैरो के लिए, मम्मा स्पैरो के लिए, बेबी स्पैरो के लिए कि द नेस्ट के लिए, तो वो चिंतित थी बेबी स्पैरो के लिए। हाउ मैनी बेबी स्पैरो वेर देर, वो नेस्ट में कितने बेबी स्पैरो थे बच्चों, दो, तो यहाँ पे आंसर आएगा टू। बेर वॉज द नेस्ट, नेस्ट कहाँ पे था, ऑन द फैन यानी फैन के ऊपर, ऑन द विंडो, विंडो के ऊपर, ऑन द बुक शेल्फ, बुक शेल्फ के ऊपर की, ऑन द कपबोर्ड, तो कहाँ पे था बच्चों, बुक शेल्फ के ऊपर। द बेबी स्पैरो क्राइड फॉर फूड द होल डे बिकॉज, वो बच्चे पूरे दिन रो रहे थे खाना खाने के लिए, क्योंकि दे वेर ग्रोइंग अप, क्योंकि वो अब बड़े हो रहे थे, तो आंसर बी। नेक्स्ट है व्हाट वॉज नीना वरीड अबाउट, नीना को किसका टेंशन था, किसके बारे में चिंतित थी वो, द क्राइंग ऑफ बेबी स्पैरो, जो बेबी स्पैरो रो रहे थे उसके लिए, द नेस्ट यानी कि जो नेस्ट था उसके लिए, हाउ पापा एंड मम्मा स्पैरो वुड लुक आफ्टर द बेबीज की वो चले जाएगी उसके बाद, जो मम्मा स्पैरो और पापा स्पैरो थे वो बेबी को कैसे देखेंगे इसलिए, कि हाउ पापा एंड मम्मा स्पैरो वुड फीड द बेबीज की उनको खाना कैसे खिलाएंगे उसके बारे में, तो वो चिंतित थी कि वो जाएंगे उसके बाद उसके पापा स्पैरो एंड मम्मा स्पैरो उनको खाना कैसे खिलाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा डी। मदर सजेस्टेड, मदर ने क्या सजेस्ट किया, क्या सुझाव दिया, तो विंडो ओपन खुली छोड़ने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन है बी, टू लीव द विंडो ओपन। लास्ट एमसीक्यू है व्हेन नीना केम बैक, नीना कब वापस आई, तो जब दो छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए थे और रूम में फ्लाई कर रहे थे, तो ये आएगा टू प्लम्प लिटल स्पैरोज वेर फ्लाइंग अराउंड, वो बच्चे रूम में फ्लाई कर रहे थे तब। तो, अब है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमें ब्लैंक्स फिलअप करनी है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं। ब्लैंक डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर द वेडिंग, किसको वेडिंग के लिए नहीं जाना था बच्चों, तो यहाँ पे आएगा नीना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीना। देर वॉज अ ब्लैंक ऑन द बुक शेल्फ, बुक शेल्फ के ऊपर क्या था बच्चों, स्पैरोज नेस्ट, तो यहाँ पे आंसर आएगा स्पैरोज नेस्ट। फिर है देर वेर अ ब्लैंक बेबी स्पैरो इन द नेस्ट, कितने बेबी स्पैरो थे नेस्ट में, टू। मदर सजेस्टेड टू लीव द ब्लैंक ओपन, मम्मी ने क्या खुला छोड़ने के लिए सजेस्ट किया, विंडो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विंडो।
When Nina came back, two blank little sparrows were flying all over the room. जब नीना वापस आई तो कैसे दो बच्चे फ्लाई कर रहे थे, तो प्लम्प यानी बहुत ही मोटे हो गए थे, बड़े हो गए थे। बच्चों उसके आगे हमें देखने हैं ट्रू फॉल्स। बच्चों ट्रू फॉल्स में हमारा फर्स्ट है Everyone was happy except नीना। सब लोग खुश थे ऐसा नीना ने एक्सेप्ट किया था, तो ट्रू सब लोग बहुत ही हैप्पी थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू। नीनाज मदर वॉज अपसेट बिकॉज सी डिड नॉट बाय एनी थिंग। नीना की मम्मा अपसेट थी क्योंकि उसने कुछ नहीं खरीदा था, तो वो भी ट्रू है। There was a sparrow's nest in Nina's room. नीना के रूम में स्पैरो नेस्ट था ना बच्चों, तो ये आएगा इसमें भी ट्रू। There was a one baby sparrow in the nest. बेबी स्पैरो कितने थे बच्चों, दो थे, लेकिन यहाँ पे कितने बताए हैं हमें, वन, यानी ये सेंटेंस रॉन्ग है, फॉल्स। The baby sparrows cried for food all day long because mama sparrow was not there, यानी कि बच्चे पूरे दिन रो रहे थे कि उसकी मम्मा वहां पे नहीं थी, इसलिए रो रहे थे बच्चों, नहीं उनको तो भूख लग रही थी इसलिए रो रहे थे, तो ये भी सेंटेंस है फॉल्स। मदर सजेस्टेड टू लीव द विंडो ओपन, उसकी मम्मा ने विंडो खुला छोड़ने का सजेशन दिया, तो ट्रू। मदर रिमूव्ड ऑल द थिंग्स फ्रॉम नीनाज रूम एंड लॉक्ड द डोर। मम्मी ने जो नीना के रूम में पूरे सामान था, जो पूरा सामान, वो दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया और वो पूरा डोर लॉक कर दिया, तो आंसर है ट्रू। When Nina came back, she did not see the baby sparrow in the room. जब नीना वापस आई तो उसने बेबी स्पैरो को रूम में नहीं देखा, ये सच है बच्चों, नहीं ये गलत है, क्योंकि उसने तो बेबी स्पैरो को देखा था, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। बच्चों उसके आगे है राइट टू वर्ड्स बिगिनिंग विद द सेम साउंड, यानी कि दो वर्ड्स लिखने हैं जो सेम साउंड यानी कि सेम आवाज से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि थिंक, तो यहाँ पे थीन थ्री, दोनों के साउंड कैसे है, थिंक थीन थ्री, यानी कि सेम। ग्रो ग्रो ग्रेट ग्रीन, चैन ची चौक, हग हंग्री हर्ट, फूल फूड फूट, यानी कि ये सब है वो सेम साउंड से स्टार्ट होते हैं, तो वो हमें लिखना था, तो यहाँ पे लिखा है हमने, वो आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। बच्चों यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं और वो पिक्चर्स के हमें उसके ऊपर से हमें ब्लैंक्स फिलअप करनी है और ऊपर हमें उसके ऑप्शंस दिए हैं। तो फर्स्ट है द ब्लैंक पीकॉक, पीकॉक कैसा होता है, ब्यूटीफुल सुंदर, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल दिया है, तो यहाँ पे हमने लिखा ब्यूटीफुल। ये एक तरह से हम एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव क्या है, यानी उसमें कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है। अ ब्लैंक चाइल्ड, चाइल्ड कैसा दिख रहा है बच्चों, हैप्पी। अ ब्लैंक एनिमल, ये एलिफेंट है, वो कैसा एनिमल है, बिग एलिफेंट। अ ब्लैंक रिबन, यानी कि ये रिबन कैसी दिख रही है आपको, रेड कलर की, तो यहाँ पे हमने लिखा रेड। उसके आगे है बच्चों अ ब्लैंक मैन, ये मैन कैसा दिख रहा है, थीन, यानी यहाँ पे हमने लिखा थीन। अ ब्लैंक पेंसिल, ये पेंसिल कैसी है, शॉर्ट छोटी, तो यहाँ पे हमने लिखा शॉर्ट। वैसे ही बच्चों हमने यहाँ पे भी ब्लैंक्स दी गई है, यहाँ पे पिक्चर नहीं दिए हैं, तो हमें सिर्फ ये ब्लैंक्स के थ्रू हमें फिलअप करना है। तो फर्स्ट है अ मैंगो इज ब्लैंक, मैंगो कैसा होता है बच्चों, येल्लो, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे येल्लो। फिर है ग्रैंडफादर इज अ ब्लैंक मैन, ग्रैंडफादर यानी हमारे दादा होते हैं वो कैसे होते हैं, ओल्ड मैन, ओ एल डी ओल्ड, यानी वृद्ध, गुजराती में कहिए तो वृद्ध। आई हैव अ ब्लैंक पेंसिल, मेरे पास ब्लैंक पेंसिल, यानी कि मेरे पास कैसी पेंसिल है, तो न्यू, यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू। माय रूम इज ब्लैंक, आपका रूम कैसा होता है बच्चों, क्लीन, यानी एकदम स्वच्छ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लीन। फिर यहाँ पे दिया है आइसक्रीम इज ब्लैंक, आइसक्रीम कैसी होती है बच्चों, कोल्ड, तो
तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोल्ड। मोहन इज अ ब्लैंक बॉय, तो यहाँ पे हमें मोहन कैसा बॉय दिया है, चलो हम देखते हैं वो ऑप्शन में। बच्चों देखो ये रहे ऑप्शन, तो इसमें आपको मोहन कैसा बॉय दिखाई दे रहा है, ओल्ड फैट राउंड न्यू क्लीन स्मॉल येलो की कोल्ड, यानी मोहन कैसा बॉय हो सकता है, फैट। तो हमें मोहन वाले ब्लैंक्स में क्या लिखना है, फैट बॉय। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे फैट बॉय। और माउस इज अ ब्लैंक एनिमल, माउस कैसा एनिमल होता है बच्चों, स्मॉल की बिग, तो स्मॉल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल एनिमल। द सन इज, सन का शेप कैसा होता है बच्चों, राउंड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राउंड। बच्चों यहाँ पे आपको एक स्टोरी दी गई है, देखो आप लोग, आप लोगों ने सुनी होगी वो डव आंट और हंटर वाली स्टोरी, कि जब एक हंटर यानी शिकारी शिकार करने आता है तो वो डव आंट को बचाता है और आंट डव को बचाता है, ये वाली स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी। ये नहीं सुनी है तो आपके मम्मी पापा को बोलना कि आपको अच्छे से वो स्टोरी सुनाए। और यहाँ पे हमें सेंटेंस दिए है जो अरेंज नहीं किए हैं, तो हमें इसको करेक्ट ऑर्डर में लाना है, यानी कि वो स्टोरी सुनने के बाद बच्चों आपको पता चल जाएगा कि किसके बाद कौन सा सेंटेंस आता है। तो बच्चों ये आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है, आपको स्टोरी सुननी है और फिर इसको अरेंज करना है। यहाँ पे हमारा लेसन फिनिश होता है बच्चों, और ये आपको जो मैंने सिखाया वो आपकी वर्कबुक में फिलअप करना है। थैंक यू।